यूएन मेंबर पोर्टल में आप लॉगिन करते हैं ईपीएफ में नॉमिनी ऐड करने के लिए। जैसे ही आप लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैनेज में क्लिक करके आप ई नॉमिनेशन में आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पे एक एरर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट में आपको एरर देखने को मिलता है, अनबिलीवेबल टू प्रोसेस प्लीज अपलोड यहाँ पे योर प्रोफाइल फोटोग्राफ। यानी कि आपको बोला जाता है कि पहले आप अपना यूएन मेंबर यहाँ पे मेंबर में आप पहले फोटोज़ को अपलोड कीजिए, लेकिन आप लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि हम जो कि फोटोज़ हमारे फ़ोन में है लेकिन उसको जो है कि यहाँ पे हम अपलोड नहीं कर पा रहे, कैसे अपलोड करें। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं डायरेक्टली यहां पे अपलोड करके कि कैसे आप यहां पे प्रोफाइल पिक अपलोड कर सकते हैं, या फिर कैसे जो है कि ईएन मेंबर पोर्टल में अपलोड करने के लिए आप जो कि फाइव जो कि इमेजेस है उसको आप बना सकते हैं। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में आपको देने वाला हूं। चलिए जैसे ही आप हम यहां पे प्रोफाइल में व्यू में क्लिक करके प्रोफाइल में आते हैं और प्रोफाइल में क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं चेंज फोटोज, यहां से पहले से यहां पे डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद फिर आप देखेंगे यहां पे ब्राउज में यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ गैलरी से अपना फोटोस अपलोड कर लेते हैं जो भी आपको अपलोडेड करना है। तो यहाँ हम गैलरी से फोटो को सिलेक्ट किया, देख सकते हैं यहाँ पे द साइज ऑफ फोटोग्राफ कैन नॉट बी मोर द 100 KB, यानी कि ये बोला जा रहा है कि आपको जो इमेजेस जो अपलोड करेंगे तो उसकी जो साइज है वो 100 KB में होना चाहिए। तो चलिए हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि कैसे आपको 100 KB में इमेजेस बनाना है। तो आपको क्या करना है, अगर आप अपना ईएन मेंबर पोर्टल में फोटोग्राफ्स अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर आप क्लेम कर रहे हैं फोटो नहीं अपलोड कर पा रहे हैं तो आप कैसे जो कि फोटोज़ को आप जो कि इंस्टेंट अपलोड कर सकते हैं, तो आप इस एप्लीकेशन को ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे ये एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्यू रिड्यूस करके एक एप्लीकेशन है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप यहां पे इस तरीके इंटरफेस मिलेगा आपको, उसके बाद यहां पे चूज़ फोटोज़ पर क्लिक करके आपको जो भी इमेजेस अपलोडेड करना है वो आपको यहां से गैलरी में से फोटोज़ को आपको यहां पे सिलेक्ट कर लेना है। जब आप वहाँ पे फोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल जो फाइल की जो साइज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 4360 KB, यानी कि 4.36 MB का ये फोटोज़ है। और हमें अपलोड कितना वहाँ पे अपलोडेड कितनी KB की होगी, ओनली 100 KB। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से 100 आपको लिख करके यहाँ पे कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो है कि आपका कुछ ही सेकेंड में ये जो कि इसकी साइज़ घट करके ये 100 KB में कंप्रेस होकर के आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। ये 100 KB में कंप्रेस हो चुका है, यहाँ से आप जो कि शेयर भी कर सकते हैं जीमेल व्हाट्सएप फेसबुक पे। और उसके बाद ये जो फोटोज़ है वो गैलरी में भी वो जो कि डिफॉल्ट यहाँ पे जा चुका है। तो आपको क्या करना है, फिर जैसे यहाँ पे नहीं अपलोडेड हो रहा है यहाँ पे फिर से आप ब्राउज़ में क्लिक करेंगे और ब्राउज़ में क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे भी मैंने कंप्रेस किया सेम फोटोज़ को, यहाँ पे इस तरीके से टिक करके आप डन कर देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, देख सकते हैं इस तरीके से फोटोज़ यहाँ पे अपलोडेड हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है कि कैसे आप जो कि अपलोड कर सकते हैं अपना प्रोफाइल पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रीव्यू में क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो कि प्रोफाइल पिक ईपीएफओ में शो हो रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछता है क्या आप श्योर है, आप देख लिए हैं क्या अपलोड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से यस के ऊपर ओके के ऊपर क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आप अपना ईएन मेंबर पोर्टल में आप अपना प्रोफाइल पिक जो है कि अपलोडेड कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन ईपीएफ क्लेम करते हैं, चेकबुक या फिर पासबुक, इसी तरीके से आप कंप्रेस करके वहाँ पे भी अपलोडेड कर सकते हैं या फिर नॉमिनी का फोटो हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।